शाम जूस बगड़िया भवन शीश की जहाँ पे आप जूस अक्सर पीते रहे होंगे और पपाया जूस आप बहुत पीते हैं, पपीता शेक जिसको कहते हैं। आपसे अनुरोध है बिना रुमाल के दुकान में न जाएं, मर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। बोतलों भी देख लीजिए, बोतलें आप देखिए, हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा जी है, यहाँ बोतलों की फिंगर्स देखिए, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कितनी बुरी स्थिति है। नीचे भी दिखाइए, यहाँ पे कीट पैदा हो गए हैं और ये गंदगी यहाँ पे हो रखी है। ये तो गल गया, जंग लगी हुई गली हुई टेबलें हैं जिनको बदलने की कोई जहमत ये उठा नहीं रहा है। इधर आप देखेंगे इस सड़े हुए केले, ये देखिए ये सड़ा हुआ केला, इसका बनाना शेक आप पियेंगे। ये देखिए ये थैलियां और ये सामान, ये गंद, यहाँ आप डीप फ्रीजर को देखिए, आपको दिखेगा कि कितनी जबरदस्त काली फंगस यहाँ है जो कितने भयानक रोग आपको करेगी। ये देखिए ना, ये एप्पल देखिए जिनका आपको जूस पीना है, और निकालो और निकालो, और ये जंग लगे हुए, और ये देखिए आपसे गुजारिश है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ये देखो ये एप्पल आप देख रहे हैं, बड़ी जंग खराब सी। इधर आपको ये दिखाएंगे हम फ्रीज, बदबू भी दिखाई नहीं रहा। ये देखिए आपकी क्या हालात इस फ्रीज के हैं, किस तरह से सामान रखे हुए हैं, ये ऊपर दिखाओ क्या गंदगी का महासाम्राज्य है। और ये कभी भी आप करने की जरूरत ही नहीं गई है। और ये आप देखिए कि क्या किन हालातों में हैं आप, ये जूस बनाने वाले भैया हैं। ये गंदगी का महासाम्राज्य, किस तरह से पपीता रखा गया है, जंग यहाँ पे फफूंद लगी हुई है, गंदगी जमी हुई है। नीचे ये आप देख रहे हैं मिक्सी के जार देख रहे हैं, यही कितनी भयानक गंदगी है। पैकिंग से ये जार देखिए, जाली देखिए, ये देखो ना, ये जिसमें आप पैकिंग करते हैं थैलियां जार रखी हुई है, आप देखिए कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। ये देखो नीचे देखो, ये आप देखिए क्या हालात है जिनमें ये बनाया जाता है। ये हमारी पूरी टीम है, रतन गोदारा जी हैं, नरेंद्र जी हैं, हमारे राजेश जी भी साथ हैं, और ये हम मौके पर पहुंचे हैं और हम हतप्रभ हैं कि ऐसा राजधानी में कैसे हो सकता है।